सबसे पहला जो बड़ा कार्यक्रम आज हम करने जा रहे हैं वो है बीपीएल के परिवार। इनको अभी तक जिन लोगों को पीला कार्ड यानी बीपीएल के कार्ड पर राशन नहीं मिलता था, ऐसे बहुत लोगों की शिकायत होती थी कि ऐसे लोग जिनका राशन कार्ड बनना चाहिए उनका बना नहीं है और जिनका नहीं बनना चाहिए वो राशन कार्ड उनके बने हुए हैं। और लगातार कई वर्षों से ये जब सुनते हुए आ रहे थे तो हमने इसको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ करके ऐसे जिनकी आय वार्षिक 1,80,000 रुपया तक है ऐसे सब परिवारों को बीपीएल का दर्जा दिया जाए। दो जिलों में कुरुक्षेत्र और सिरसा इसका उपयोग पहले कर चुके हैं सफल प्रयोग के बाद। अब आज से यानी 1 जनवरी से इस बार ऐसे सब परिवार जिनका 1,80,000 रुपए तक की आय है सभी को बीपीएल परिवार के अंतर्गत उस दायरे में लाया जा रहा है। और इससे करने से हमारे जो नए राशन कार्ड हैं 12,46,507 ये प्रदेश भर में नए राशन कार्ड बनेंगे। हाँ, ये बात भी ठीक है कि पिछले लगभग 11-12 वर्ष में जब से आरसीसीसी डाटा बना और आज 2022 11 वर्ष हो गए हैं, बहुत परिवार इस दायरे से ऊपर भी निकले हैं। उन्होंने अपने व्यवसाय अच्छे किए, उनको कहीं नौकरी मिली सरकारी अथवा प्राइवेट, तो ऐसे लोगों को भी अभी तक उसमें से निकाला नहीं गया था। अब चूंकि स्वाभाविक है नए सिरे से उसका दायरा तय कर रहे हैं तो कुछ कार्ड उसमें से कटेंगे भी सही। कटने का अर्थ ये नहीं है कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ है, बल्कि सही मायने में देखा जाए तो ऐसे लोगों को संतोष व्यक्त करना चाहिए कि हम अपनी आय के उस दायरे से ऊपर निकल गए हैं कि जो गरीबी रेखा से ऊपर हो गया है, तो उनके लिए संतोष की खुशी की बात होनी चाहिए। लेकिन यदि उनका विचार ऐसा होता है कि हमें उस बीपीएल के दायरे में से बाहर निकाला गया है, हमारा कोई राशन छूट गया है, तो इसको विचार करने का तरीका दूसरा है। अगर मेरा अगर छूटा है राशन तो जो गरीब आदमी है, जो गरीब आदमी जो बीपीएल के नीचे है जिसका कार्ड नहीं बना था, मात्र वो कार्ड नहीं बना था इतनी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी तो उसके घर के अंदर राशन की कमी के कारण से भोजन भी नहीं बनता और भूखे बिलखते रहते हैं। तो मैंने अगर कोई राशन का अपना कार्ड छोड़ा है तो ऐसा वो बिलखता परिवार, ऐसा वो भूख से जो तड़पता परिवार है उसके घर में राशन पहुंचेगा, ये पुण्य मुझे प्राप्त होगा, मैंने अपना राशन कार्ड छोड़ा है। तो निश्चित रूप से मैं आज उन सब लोगों को अपील करता हूँ कि इसको इस ढंग से लें कि गरीब होना अच्छा नहीं है, आय अच्छी बढ़ाएं। बल्कि मैं तो याद कहूंगा कि हम सब लोग चाहे सरकार में है चाहे सरकार से बाहर एक संकल्प भी लें कि जो आज 30 लाख लगभग परिवार ऐसे होंगे जो बीपीएल से नीचे होंगे, क्या हम वर्ष भर में और 1-2 लाख परिवारों को इस दायरे से ऊपर उठा सकते हैं? इस दायरे से ऊपर उठाएंगे अर्थात उनकी आय बढ़ेगी, उनको जीवन जीने में सुविधा होगी, स्वाभिमान से वो जीवन जी सकेंगे, तो इस प्रकार का संकल्प ये हमको देना चाहिए। इसी प्रकार कुछ और जो योजनाएं हैं जिनका आज शुभारंभ होने वाला है उसके अंदर डिजिटल हस्ताक्षर वाली जमाबंदी की फर्म अर्थात जो नकल हम पटवारियों के चक्कर काटते हैं वो पटवारियों के चक्कर अब किसी लैंड ओनर को नहीं काटने होंगे, वो ऑनलाइन घर बैठे या किसी भी अपने सेंटर से और उसकी फर्म को ले सकता है। तीसरा एक योजना और आज शुरू कर रहे हैं कि जो विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उनको अपनी मार्कशीट के साथ फाइनल ईयर की डिग्री लेने के साथ उनको पासपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में मिलेगा। कोई भी विद्यार्थी ग्रेजुएट होने के बाद अपना पासपोर्ट साथ लेकर के जाएगा ताकि उसको विदेश जाने की यदि कोई इच्छा बनती है, कोई कार्यक्रम उसका बनता है, तो कम से कम ये सुविधा उसको तुरंत मिलनी चाहिए। ऐसा भी इस विषय में हम लोग आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। एक योजना में हमारा HSVP हरियाणा शहरी में जो रिक्त पद है 2500 रिक्त पद इनकी भर्ती का भी इस अगले महीने से ही प्रक्रिया शुरू करके 2500 नए पद ये भर्ती किए जाएंगे। इसी प्रकार चिरायु कार्ड जो हमने पिछले 21 नवंबर को जिसकी घोषणा की थी कि अब 1,80,000 रुपए तक सब परिवारों को चिरायु कार्ड मिलेगा अर्थात 5 लाख रुपए की जो बीमा स्वास्थ्य बीमा की योजना उसके अंतर्गत ही कवर होंगे। अभी तक केंद्र सरकार की योजना में आयुष्मान भारत में मात्र 15.5 लाख परिवार ही एलिजिबल थे, अब ये
80,000 लगभग 29 लाख परिवार, ऐसा जैसे हमने राशन कार्ड में बताया 30 लाख परिवार है, तो 29 और 30 लाख के बीच ये सब परिवार इस बीपीएल के अंतर्गत आते हैं। इन सबको एक कार्ड वितरण करने का भी काम पिछले 5 लाख पहले बढ़ चुके हैं। आज के दिन जो 6500 स्थानों के ऊपर मैंने बताया वहाँ 8 लाख परिवार और बटेंगे, लेकिन परिवारों के ये जो कार्ड छपाई का काम थोड़ा धीरे होने के कारण से इनको स्थायी लाभ जो 5 लाख रुपए का है वो मिलना प्रारंभ हो गया। लगभग 80 लाख लोगों ने रजिस्टर करा लिया है 25 करोड़ लोगों में से, यानी अगर परिवारों का हिसाब लगाएंगे तो ये लगभग 20-22 लाख परिवार होंगे जिनको, और ये रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। 80 लाख परिवार आज भी सहायता के लिए योग्य माने गए हैं, और 21 नवंबर से लगभग 1 महीना हुआ है लगभग 5800 लोगों ने इसकी सहायता इस नई योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर ली है। 11 करोड़ रुपया उस पर खर्च आया है, अर्थात 5800 करोड़ 5800 लोग यदि योजना में नहीं आते तो उनके लिए कई बार ये कठिनाई भी बन सकती थी कि उनको पैसे का खर्च कठिन हो जाता था। तो इस प्रकार